अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टोबैको से हर साल 8 मिलियन से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। इनमें से 1.2 मिलियन वो लोग हैं जो कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग का शिकार हैं। अब ये सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या है? जैसे कि आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस हों या रेस्टोरेंट वगैरह हों, वहाँ पर ये सारे ही टोबैको प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हों, जैसे कि वाटर पाइप है, सिगरेट है, या फिर आप बीड़ी है, इन जैसी तमाम चीज़ें जो भी हैं, और उनका डायरेक्टली इफ़ेक्ट उस बंदे के ऊपर जा रहा है जो कि नॉन स्मोकर है। पैंसठ हज़ार बच्चे हर साल सिर्फ सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। लगभग 7,000 से ज़्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं टोबैको स्मोक में, जिनमें से 250 ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, और उसमें से 69 केमिकल ऐसे हैं जो कि कैंसर की वजह बनते हैं। दुनिया में लगभग 1.1 बिलियन स्मोकर्स हैं। इनमें से लगभग 80% स्मोकर्स वो हैं जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज से आते हैं, जहाँ पर टोबैको से होने वाली बीमारियाँ और मौत सबसे ज़्यादा हैं, जहाँ पर लोग अपनी बेसिक नीड्स जिसमें से रोटी कपड़ा वो वहाँ खर्च ना करके टोबैको ख़रीदने में ज़्यादा खर्च करते हैं। इससे ये पता लगता है कि ये लत कितनी ख़तरनाक है। वैसे तो इंटरनेट पर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं अगर आप वाकई में इस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको इन तमाम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक जवाब में देना चाहूँगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 195 में इरशाद फरमाते हैं, वला तुलकू बिअयदीकुम इलत्तहलुका, और अपने हाथों अपनी जान को हलाकत में ना डालो। इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। कोई शख्स आता है, वापसी की कर जाता है कि वो 3 दिन बाद आएगा और आपको शूट करके जाएगा। उसकी इस धमकी ने आपके ऊपर क्या असर डाला कि आप परेशान हो गए, आप घबरा गए, आप पुलिस के पास जाएंगे, आप रिपोर्ट लिखवाएंगे। ठीक इसी तरह से एक ऐसा किलर है जो कि आपको धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। कैसे? 24 घंटे में कितनी ही बार वो आपकी दो उंगलियों के बीच में आता है और आपके वो इतना करीब आ जाता है कि आपको मालूम ही नहीं चलता। आप उससे डरते ही नहीं हैं, आप उससे खौफ ही नहीं खाते हैं। और जो लोग कहते हैं कि कूल है, फैशन है, सब कर रहे हैं, तो मेरा उनसे एक सवाल है, सब तो बहुत कुछ कर रहे हैं, आपने यही क्यों चुना?